वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका अपना दोस्त ज़हीर अहमद जमाली, और आप तमाम दोस्तों के इसरार पे मैंने मीडियम वेव का जो लूप एंटीना है वो बनाया, जिसका भी हम डेमो देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसके लिए मीडियम वेव लूप एंटीना के लिए जो स्टैंडर्ड मटेरियल चाहिए होता है वो तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन जितना था उससे मैंने बनाया है, तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को पसंद आएगा। तो इस लूप एंटीना को ना सिर्फ हम एज ए मीडियम वेव लूप एंटीना यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इसको एज ए एक्सटर्नल एंटीना मीडियम वेव के लिए और शॉर्ट वेव के लिए और एफएम के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल एंटीना मैंने इसमें कनेक्ट किया हुआ है। हमारे पास रिसीवर है सोनी का 7600 डिजिटल। हम इसका जो है मीडियम वेव का रिसेप्शन देख लेते हैं एक्सटर्नल एंटीना के साथ। ये देखें, ये सब एक्सटर्नल एंटीना कनेक्ट है, और ये अगर इसको निकालते हैं हम लोग तो इसकी ये रिसेप्शन रहती है, ठीक है। ये मीडियम वेव पे लगा हुआ है और मीडियम वेव पे ही ये कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसका एक्सटर्नल एंटीना। ये देखें, अच्छा ये मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये देखें, ये एक्सटर्नल एंटीना मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, ये देखें, ये इसकी रिसेप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई है मीडियम वेव की, यानी कि ये मीडियम वेव एक्सटर्नल एंटीना के ऊपर ही चल रहा था। तो ये इसकी मीडियम वेव की रिसेप्शन है एक्सटर्नल एंटीना के हिसाब से। अब हम इसकी शॉर्ट वेव की रिसेप्शन देख लेते हैं। ये सऊदी रेडियो इंटरनेशनल 13775 एक्सटर्नल एंटीना के साथ, ये देखें, ये इसकी ओरिजिनल रिसेप्शन है। और ये जो है पहले ही आ गया होता ये लूप एंटीना का एक्सटर्नल एंटीना जो बनाया हुआ है उसकी रिसेप्शन है। ये देखें, ये एंटीना इसका अपना ओरिजिनल जो है वो नीचे है, ये देखें, ठीक है। ये हमने इसको कनेक्ट किया और ये इसकी रिसेप्शन है। अब हम चलते हैं लूप एंटीना के काम की तरफ। ये देखें, ये मेरे पास एयर राजकोट लगा हुआ है। आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल पत्रकारों साथे बात करता। अब ये इसकी रिसेप्शन है लूप के साथ, एक मिनट में इसको चेंज कर देता हूँ। ये देखें, ये इस वक्त 840 अहमदाबाद लगा हुआ है। ये देखें, ये लूप हमने इससे हटा दिया और ये इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखें, ये हटा दिया, कनेक्ट कर दिया, ये हटा दिया। तो इस तरीके से ये मीडियम वेव पे एज ए लूप एंटीना काम करता है। इसको हम एक्सटर्नल एंटीना के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और मीडियम वेव का लूप एंटीना के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी ओरिजिनल रिसेप्शन और ये लूप के साथ, ये ओरिजिनल और ये लूप एंटीना के साथ। अब हम इसी एंटीना को जो है एनालॉग रेडियो पे भी चेक कर लेते हैं कि एनालॉग पे इसकी कैसी रिसेप्शन है। अब ये मेरे पास अवेलेबल है नेशनल पेनासोनिक का 441 मॉडल, ठीक है। ये इसमें 918 मीडियम वेव इस वक्त लगा हुआ है। ये देखें, ये हटा दिया इसके साथ लूप और ये कनेक्ट कर दिया। ये देखें, ये देखें, ये हटा दिया और ये कनेक्ट कर दिया। तो ये जो है ये लूप की रिसेप्शन है, मीडियम वेव का जो लूप एंटीना है उसकी रिसेप्शन है। अच्छा, इसके हवाले से मैं आप तमाम दोस्तों को बता दूं कि ये जो मैंने बनाया मीडियम वेव का लूप एंटीना, ये जो है ग्राउंड अर्थ से बनाया है। अगर इसको जो है आउटडोर बनाएंगे तो बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से ये वर्क करेगा। ये इंडोर सारी चीज़ें लेकर मैंने बनाया है, तो उसकी वर्किंग जो है ये आपके सामने है। ये एनालॉग पे मीडियम वेव लगा हुआ है, ये देखें, ये इसको अगर हम हटा देते हैं, ये देखें ये मीडियम वेव की इसकी रिसेप्शन है। और यही अब हम लोग देख लेते हैं डिजिटल पे दोबारा से एज ए एक्सटर्नल एंटीना कनेक्ट करके इसको। ये देखें, 840 लगा हुआ है इस वक्त इस पे अहमदाबाद।
तो अगर हम इसको एक्सटर्नल एंटीना देते हैं, भारत सरकार द्वारा ये देखें, ये मीडियम वेव का एक्सटर्नल एंटीना मतलब लूप एंटीना जो है वो काम कर रहा है इसमें। ये इसका हटा दिया और ये दोबारा लगा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को मेरी ये जो वीडियो है ये पसंद आएगी। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा आपका अपना दोस्त ज़हीर अहमद जमाली।